जिस तरीके से रिसेंट हम लोग यहाँ पर मीटिंग करें, इस मीटिंग का अहम मकसद ये था कि 1,00,000 लोगों से रेवंत रेड्डी साहब जो सभा इंदर वैली में 9 तारीख को 9 अगस्त को लगाए, उसका अहम मकसद ये है कि उस दिन वर्ल्ड ट्राइबल डे है, आदिवासी दलित डंडोरा बोल के इसलिए लगाया गया कि आदिवासी और दलित बीसी माइनॉरिटी सबको बेवकूफ़ बना के एक ही खानदान कचरा केसीआर के चंद्रशेखर राव का खानदान इस तेलंगाना में हुकूमत करके गरीब लोगों को लूट ले रहा बोल के ये मीटिंग आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट से इंदर वैली से रेवंत रेड्डी साहब लगाए, जो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और रेवंत रेड्डी साहब परसों प्रेस के सामने केसीआर को चैलेंज करे, एक आदमी भी 1,00,000 से कम है तो तू गिन ले बोल के बोले, तो हर गांव में हर विलेज में कहीं भी जाने पर लोग यही बोल रहे हैं कि हम आने को तैयार है, ऑटो में आएंगे, ट्रैक्टर में आएंगे, आइचर में आएंगे, लारी में आएंगे, आखिरी में कुछ नहीं मिला तो हमारा मोटरसाइकिल लेके हम जो सो सभा में आएंगे बोल के आज जो जोश जो खुशी कांग्रेस पार्टी में है, 10 साल से ये दौरा का पालन देख के लोग परेशान है, हर आदमी को तकलीफ है, खाली इलेक्शन आए तो स्पीच देना, आके बड़े बातें करना और घर चले जाना, ये कार्यक्रम केसीआर का है। तो इसके बाद से हर मंडल से खुदी से लोग आने को हर विलेज से तैयार है, हर तांडे हर गुरे से। तो हमारे जो आज के जो इंचार्जेस है, सोहेल भाई भी हैदराबाद से आए, उनको सिटी में देख रहे, 3 आदिलाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी को नरसा रेड्डी साहब, सुभाष रेड्डी साहब, स्टेट माइनॉरिटी चेयरमैन सोहेल साहब, तीनों मिलके आदिलाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी देख रहे। उसी तरीके से बोध कॉन्स्टिट्यूंसी के कुछ इंचार्जेस है, खानापुर के कुछ है, तो सारे कांग्रेस के लीडर्स मिलकर इस सभा को सक्सेस करना बोल के रेवंत रेड्डी साहब का बीसीसी के तरफ से जो इंचार्ज आए, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, अपना घरदार अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी छोड़कर यहाँ पर अपने लिए अपना आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट को ये पूरे कार्यकर्ताओं को फायदा होने के लिए कांग्रेस पार्टी मजबूत होने के लिए आकर यहीं रहकर जो खाना मिला वो खाकर जैसा सोना है वैसा सोकर तकलीफ में रहकर भी कांग्रेस पार्टी को और आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और अभी मैं मेरी बड़ी बहन गंडा सुजाता मैडम से गुजारिश करता हूँ कि एक दो अल्फाज बात करें।